नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आपके लिए मैं एक और स्टॉक लेके आया हूँ जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं, और इस स्टॉक का नाम है जिंदल स्टेनलेस स्टील। और अभी निफ्टी मेटल में काफ़ी अच्छा इसका चार्ट पैटर्न बन रहा था और उसमें अप ट्रेंड आने का चांस है पूरा, और उसी में से एक स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस स्टील। ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं, जिसमें अभी बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनी, अप ट्रेंड आया था और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया है, हालांकि चल अप ट्रेंड ही रहा है धीरे धीरे, और ये अभी रिट्रेस किया है और वापस इसने एक ग्रीन कैंडल बना के अभी ऊपर का मूव दिखाना शुरू किया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है इसके ग्राफ को देखते हुए कि ये अभी आने वाले दिनों में अच्छा एक मूव देने वाला है ऊपर की तरफ, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और 172 का प्राइस रहेगा जिस पर आप बाइंग कर सकते हैं, करंटली जो प्राइस है उसी पर आप बाइंग करिए इसे तुरंत, और इसको वेट करिए, बस पेशेंस रखिएगा, इसे होल्ड करके रखिएगा। इसका टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, रफली अप्रॉक्सीमेटली आपका ये जो टारगेट है, ये आपका टारगेट जो है ये जाएगा करीब 192 के आसपास जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लीन करके, 198 तक जाएगा ये। ओके, तो इसका पहला जो टारगेट होगा वो 198 का रहेगा, और अगर आप पेशेंस दिखाएं तो शायद ये 214 तक भी जाएगा, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये दो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, और बाइंग इसकी 172 पे आप करंट प्राइस मार्केट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं तुरंत मंडे को, नहीं तो अपॉर्चुनिटी कहीं मिस ना हो जाए, कभी भी ये मूव दे सकता है ऊपर की तरफ, तो होल्ड करके रखिएगा। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, आप स्टॉप लॉस जो लगा सकते हैं इसका जो SL है वो आप 163 का लगा लीजिए, ठीक है। तो इतना आप स्टॉप लॉस जो है करीब, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं एक ये रहा, ये देखिए बिल्कुल इसके बॉटम में है, ये जो रेड कलर की कैंडल बन रही है ना यहाँ पे, इस कैंडल के यहाँ पे ये जो लाइन बनाई है मैंने 163, बिल्कुल उसका बॉटम लेना है हमने। अगर आप देख रहे हो तो ये कैंडल है, इसका मैंने बिल्कुल बॉटम लिया हुआ है, इसी को हमने स्टॉप लॉस मान लिया। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये नीचे आता है तो फिर ये नीचे की तरफ कट जाएगा, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस ही आपको दे रहा हूँ। बाकी यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है या तुरंत भी जा सकता है। और ऊपर का टारगेट मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 198 एंड 214। थैंक यू।